क्या ये पॉसिबल है कि प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी से ग्रो किया जाए? ये कर दिखाया है स्वीडन के साइंटिस्ट ने विद द डेवलपमेंट ऑफ ई सॉइल। वहाँ पर प्लांट को ग्रो करने के लिए ओरिजिनल सॉइल यूज करने की जगह प्लांट रूट में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया गया, विच रिजल्ट्स इन 50% फास्टर ग्रोथ। वर्ल्ड की बढ़ रही पॉपुलेशन, चेंजिंग वेदर पैटर्न और रशिया यूक्रेन जैसी कंट्री की वॉर की वजह से न सिर्फ फूड शॉर्टेज बल्कि राइज इन कॉमोडिटी प्राइजेस एंड माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स भी वर्ल्ड को फेस करनी पड़ रही हैं। इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए ई सॉइल एक ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। ई सॉइल का आइडिया लिया गया है 600 साल पुरानी हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन से, जहां के प्लांट रूट्स पास वाली यूफ्रेट्स रिवर से इम्पोर्टेंट मिनरल्स लेकर ग्रो कर रहे थे। इसी से इंस्पायर होकर 1937 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम फ्रेडरिक ने वाटर बेस्ड फार्मिंग स्टार्ट किया, जिसको कहा गया हाइड्रोपोनिक्स, और अब इसी का एडवांस वर्जन है ई सॉइल। हाइड्रोपोनिक्स में विदाउट सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स वाटर को रीयूज करके इंडोर एंड टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरमेंट में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है फॉर लाइटिंग, एयर पंप्स एंड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। जहां हाइड्रोपोनिक्स में मिनरल वूल्स को यूज किया जाता है फॉर कल्टीवेशन विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, वहीं ई सॉइल यूजेस सेलुलस एंड अदर कंडक्टिव मटेरियल विच यूजेस लेस एनर्जी। बट ई सॉइल का इम्प्लीमेंटेशन सभी कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं है। लो इनकम कंट्रीज के लिए इसका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ही एक बड़ा चैलेंज हो सकता है।